और नहीं सर, उसके तो वो उस आप हटा दीजिएगा, वो हट भी सकती है, क्योंकि आप मेरे को अगर फोन पे बात करने पर अगर ये पता चले कि भाई ये तो ऐसा है जो हट नहीं सकता, तो फिर फोन बात करने का मतलब क्या है सर, आप ही बताइए। नहीं नहीं बात करने का मकसद है कि आप बात को समझ रहे हैं, आप समर्पित हो रहे हैं, आप 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं, आप अपने दूसरे लोगों को जोड़ेंगे, आप समझने की बजाय केवल लोगों को जोड़ के बिना दिमाग लगाए यदि आपको जो ना परिवर्तित भारत मिल रहा है तो आप दिमाग क्यों लगाना चाहते हैं, आप क्यों समझना चाहते हैं जब आपको सर, कुछ मेरे को करने मतलब एक वो चीज मिनट समझ में नहीं आई ना सर कि आपको एग्जैक्टली आपको अपन क्यों करना क्या समझना, चाह आपको रहे ये हैं। बात समझ में आई है कि नहीं आई है कि 10-10 लोगों को जोड़ के आप 100 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ लोग जब छत पे चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे तो वो टास्क फोर्स बना देंगे, जिनका काम है वो काम करना चालू कर देंगे। आकाश गुप्ता को समझने से थोड़ी काम बनना है बच्चे, आकाश गुप्ता के समझने से काम बनेगा क्या? सर मैंने आपका समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे को क्या है एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, क्योंकि आप क्वेश्चन मैं ये पूछिए, आप समझता क्वेश्चन हूँ पूछिए, कि जो जो चीज आपको समझ में नहीं आई उसको क्वेश्चन पूछिए, हम अभी आपको जवाब देंगे। सर पूछिए देखिए, क्वेश्चन, मेरा ये आपको क्या मानना समझ में नहीं, है आपको क्या कि समझ में नहीं आया? ये 10-10 लोगों को जोड़ के, अपने ही घर वालों को, अपने ही मित्रों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ के, 10-10 लोगों को जोड़ के 9 दिन में 100 करोड़ होंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया? सर आजकल कौन किसकी बात सुनता है आप आपको बताइए क्यों ना। बात नहीं, नहीं आप क्यों बात नहीं सुनेंगे जब आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जब आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जब आपको जो है ना बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, जब आपके विभाग जो है ना आपकी बात सुनेंगे और सही समय सही निर्णय पर लेंगे। आज आपको जूते लग रहे हैं और आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपका सिर फटा हुआ है, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो क्यों नहीं सुनेंगे आप अपने लाभ के लिए? और नहीं सुनेंगे तो जूते खाइए फिर, जो आज हो रहा है सर वो देखिए, 75 सालों से जो आपके साथ हो रहा है वो भविष्य में भी होगा, क्यों नहीं सुनेंगे आप? यदि आपके हित की बात है तो क्यों नहीं सुनेंगे आप? यदि आपको 2029 तक देश की जो है ना 66% आबादी को कैंसर होने वाला है और यदि आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो क्यों नहीं सुनेंगे जब आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे? ऑर्गेनिक खेती जो है ना श्रीलंका आप के ऑर्गेनिक ऊपर खेती को छोड़ जबरदस्ती दीजिए थोपी दिमाग, गई, आप तो फिर सब, किसकी बात कर रहे हैं आप जो है ये समाधान में आप बच जाइए, केवल आप जोड़ने के काम में लगिए और छत पर चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करिए, बाकी काम हम नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से करा लेंगे। उन्हें सर 300 एक्चुअली आंख बंद करके मैं कोई काम नहीं कर सकता ना, मेरे को अच्छे से समझना पड़ेगा तब मैं उस काम में। अच्छा ये बताओ आप जो है ना आपको जो है अपने परिवार के कितने लोगों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हो, मुझे ये बता दो तुम, क्या जो ना 66%, क्या आपने आप मम्मी ये पापा को चीजें कैंसर से मैं बहुत पीड़ित, अच्छे ये से बताओ समझता आप, क्या हूँ। आप अपने मम्मी पापा को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हो? मैं तो किसी को भी नहीं देखना चाहता, देखना चाहते हो क्या? नहीं मैं तो किसी को भी नहीं देखना चाहता सर, दुश्मन को भी नहीं देखना चाहता। दुश्मन को छोड़ो, 66% लोगों को कैंसर होने वाला है, 5 साल बहुत दूर नहीं है, 2029 में ये हो जाएगा। तो जब आपको आप जो है जब आपको काम नहीं करना है तो आप इतना छोटा सा जो उपाय बता रहे हैं इसको करने में क्या दिक्कत है, जिसमें आपके जेब के 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, क्यों दिमाग लगाना चाहते हैं आप ये बताइए? यदि हम आपसे जाना 5 पैसे नहीं मांग रहे हैं, आपके सभी हित साध रहे हैं, गुलामों के नियम कानून बदल रहे हैं जो हम बदलवाएंगे, जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था जो है ना वैसी हो जाएगी, बिना थाने जाए आपकी सुनवाई होगी, 15 दिन में जो है ना चालान पेश होगा, बिना कोर्ट जाए आपको 3 दिन से 30 दिन में न्याय मिलेगा, फिर क्या समझना चाहते हैं आप? क्या समझ में नहीं आया आपको? क्या समझ में नहीं आया इसमें बताइए मिस्टर आकाश, क्या समझ में नहीं आया इसमें? क्या ऐसी चीज बताई जा रही है जो तुमको समझ में नहीं आ रही है? आप इतना गुस्सा हो रहे हैं तो नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको डांट रहा हूँ, आप समझना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं? अभी थाने में आप जाते हैं आपकी FIR नहीं लिखी जाती है, तुमको समझ में नहीं आता है इस सिस्टम में जो है ना बिना थाने जाए आपकी जो है ना FIR दर्ज हो जाएगी और झूठी FIR दर्ज करने में वो जेल में सड़ेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्या समझना चाहिए इसमें, क्या दिमाग लगाना है आपको, क्या दिमाग लगाना है बताइए मुझे? आज आपके थाने में सुनवाई हो रही है, आज आपके ऊपर झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं और आपके पूरे खानदान को भर दिया जा रहा है, ये इसमें समझने के लिए बहुत अकल चाहिए क्या आपको? क्या समझना चाहते हैं इसमें आप? ये जमीनी हकीकत मतलब बताइए, जमीन तो एक मिनट कोई बाला पड़ता नहीं, ये बताइए ये जमीनी हकीकत है कि नहीं है? मेरा थाने से सर कोई फाला नहीं पड़ता। अरे है आपका थाने से ना पड़े, आपके जाना आपके परिवार वालों का पड़ेगा, आपके पड़ोसियों का पड़ेगा, आपके विरुद्ध जो ना कोई झूठी रिपोर्ट लिखा देगा अपने आप आपका कल पाला पड़ा जाएगा, मालूम पड़ा कल ही आपका पाला पड़ जाए, आज तक ना पड़ा हो। इसमें क्या समझने वाली बात नहीं आ रही तुमको? आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थपे हुए हैं, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? आपकी पुलिस एक्ट 1860 से गवर्न हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है आपको? आप IPC जो है ना 1861 की IPC से गवर्न हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको इसमें? नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें?
यार मैं 10 लोगों से बात करूं तो वो बोलेंगे आपको बिल्कुल भाई बात तुम नहीं करवाना करना क्या है, चाहते आपको हो। बिल्कुल बात नहीं करना है, आपको उनको केवल हाँ जो है हमारे वीडियो सुनाना है और उनके प्रश्न हाँ पूछना है, उनको रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज देना है, जवाब मैं दूंगा उनको। जहां डांटना होगा वहां डांटूंगा, जहां प्रेम से समझाना होगा मैं प्रेम से समझाऊंगा। और आप विद्वान मत बनिए, जब हम आपसे कुछ करा ही नहीं रहे हैं, केवल लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको नहीं जोड़ना है, क्या दिक्कत है उसमें? जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको मत जोड़िए, जिनको समझ में आ रहा है कि उनके जो है ना माँ बाप जो है 66% लोगों को कैंसर होने वाला है, आज जो है इस देश में 50 करोड़ लीटर दूध नकली बन रहा है, यही सिस्टम चाहिए आपको? क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? सर आप मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, मैं आप आपसे डांटने आपने लगते कहा हैं तो कि मैं समझ आप में क्या नहीं आ बोल रहा है, सकता क्या हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप मुझे ये बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा? आप बड़ी उम्र के हैं, बड़े पद से नहीं, उम्र रिटायर उम्र हुए की हैं, बात तो मैं नहीं तो है, कुछ नहीं आपसे नहीं ना पूछ रहा आपके हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सामने। क्या समझ में नहीं आ रहा है? आज आपको झूठे लाते पड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज आज जो है ना आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है? नकली दूध जो है ना 50 करोड़ लीटर प्रतिदिन बन रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है? इससे कैंसर होने वाला है, सर ये समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ मेरे रहा को है? बस दो चीज कहनी है, ये बात तो मैंने आपकी सुन ली सर, मेरे को ये सब चीजें पता भी है पहले से, ठीक तो पता है, होने के, बस पता मेरी होने एक के बाद आप, रिक्वेस्ट है एक आपसे। मिनट आकाश मुझे ये बताओ, पता होने के बाद आप क्या इसमें परिवर्तन करने की हिम्मत औकात या क्षमता रखते हो क्या? नहीं रखते हो, तीनों चीजें नहीं रखते हो। जो नकली दूध बना रहा है वो जो है ना इन पॉलिटिकल पार्टियों को जो है ना पैसे दे रहा है, वही जो है ना टिकट पा ले रहा है, वही मंत्री बन जा रहा है, क्या करोगे आप? इसके लिए एक ही काम जरूरी है कि 10-10 लोगों को जोड़ के जब आप 600 करोड़ हो जाएंगे तो बिना कुछ किए छत पे चढ़ जाना है, केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना है कि वो 21 टास्क फोर्स बनाए और वो काम उन 21 टास्क फोर्स को करना है, आपको नहीं करना है। ठीक है आपको सर, मैं जो हूँ इन पर्सन मिलके ही आगे बढ़ूंगा, और मेरे को तो चीजें समझ में नहीं आई, अगर आप मिलना हम तो चाहें तो ये मैं पूछ रहे भोपाल हैं, आऊंगा। आप नहीं नहीं आप बिल्कुल समझ में नहीं, आप तो क्वेश्चन पूछोगे सर, इसमें ये बात समझ में नहीं आई तो मैं उसका जवाब दूं। आप मेरी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे या कहीं भी मैं मचा बिल्कुल लीजिएगा, मैं डालूंगा आपसे इन ये पर्सन रिकॉर्डिंग तो मिलूंगा। बिल्कुल डालूंगा, क्योंकि इसमें जो है ना